नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने आयुक्त सभागार में सैनिक स्कूल के कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने कहा कि कार्यों को समय अवधि में पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग शासन स्तर पर की जा रही है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए कार्यों पर नजर रखते हुए करवाया जाए, जिससे कि कार्य समय अवधि में पूरा हो सके। यदि किसी तरह की दिक्कत आती हो तो तत्काल अवगत कराया जाए, जिससे कि उसको दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बेंच की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उनके पीने के पानी व सुलभ शौचालय भी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन का निर्देश है कि जो भी कार्य चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और उनका एवरेज बच्चों का पास आउट परसेंटेज कितनी रहेगा? बिल्कुल ठीक है। तो और तो प्राइड ही करता है, रैंक वाइज ही करता है। जो सबसे अच्छा है उसको हमें दो देने हैं, फिर वैसे करा लेंगे। और एक तुम भी कहीं किया था, गेड़ा भी किया था। मंडलायुक्त अनिल ढिगरा की अध्यक्षता में गोरखपुर महोत्सव 2024 की बैठक आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता के आधार पर मौका दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि जितना हो सके स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जाए, जिससे उनके प्रतिभा का प्रदर्शन हो सके। उन्होंने कहा उद्घाटन व समापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। इसमें जो शासन से फंड आना है उसकी रिपोर्ट बनकर दिया जाए और कौन से कलाकार आ रहे हैं सबके विस्तृत रिपोर्ट बनाकर दिया जाए, जिससे शासन को अवगत करवाया जा सके, जिससे कि गोरखपुर महोत्सव को भव्य बनाया जा सके। वहीं अधिकारियों ने कहा कि जनपद स्तर पर 50 लाख का फंड इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि महोत्सव का बहुत कार्य हो सकता है। इसके अलावा वन टांगिया गांव के बच्चों द्वारा फैशन शो किया जाएगा, जो कि पिछले साल भी हुआ और G20 में भी हुआ, जिसको सभी लोगों ने काफी पसंद किया था। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसपी सिटी किशन बिश्नोई, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहाँ भी एक प्रोग्राम करा देना। हाँ, वहाँ कराएंगे सर, और हॉट एयर बैलूनिंग कराएंगे सर वहाँ पे सर। अपने सर अंशिका जो करती थी सर, अंशिका उसी को कह रहे हो सर? लोकल में सर हम तो है टच में सर। तब जो मैं तीन कराए थे ना आरटीओ सर, एक तो वहाँ उड़ता है, एक वहाँ मंदिर पे और एक वहाँ। इसके अलावा और जो ये लोकल आर्टिशियन है हमारे संगीत नृत्य वादन का, वो बता रहे हैं कि कमी सर। ये भी जैसे जो महाराज जी का जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि लोकल जो हमारे आर्टिशियन है उनको बढ़ावा, उसके जो खर्चे आते हैं मौसम संगीत वादन करते हैं सर। और एक एरिया ने कहा था कि बैडमिंटन का और सेंट एंड्रयूज कॉलेज के ग्राउंड पर 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ हुआ, जिसके संबंध में सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रैना निवेदिता सैमुअल ने बताया कि वार्षिक क्रीड़ा समारोह का शुभारंभ हुआ है, जो कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसके तहत विभिन्न तरह की प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें महिला व पुरुष की दौड़ प्रतियोगिता सहित अन्य खेल शामिल है, जिसका समापन 18 नवम्बर को होगा। उन्होंने बताया कि सेंट एंड्रयूज कॉलेज को 125 साल पूरा होने वाला है, जो कि 30 नवंबर को होगा, जिसके उपलक्ष्य में एक क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सेंट एंड्रयूज कॉलेज स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्राचार्य प्रोफेसर आर एन सैमुअल, प्रतिभागियों का एंड पर आप देख सकते हैं रखा हुआ है महाविद्यालय लेते हुए तालियों के साथ इस मशाल का आप स्वागत करें।
मुझे इस बात का द्योतक है कि टीम मुद्रा में आ जाए। आप मेरे पीछे बोलेंगे, हम शपथ लेते हैं कि कॉलेज वार्षिक क्रीड़ा समारोह के प्रत्येक खेल में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ खेल भावना एवं निर्धारित नियमों निर्देशों के अनुरूप कॉलेज व क्रीड़ा के सम्मान लेंगे। थैंक यू मैडम। आज ये समय होगा कि महाविद्यालय और 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का ये पहले ही गत वर्ष चुकी है और ये दूसरी हीट शुरू होने वाली है 100 मीटर। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रैना निवेदिता सैमुअल ने कहा, ये हमारे यहाँ वार्षिक क्रीड़ा समारोह है और ये 2 दिन का कार्यक्रम है और इसमें करीब 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होने हैं और ये दो दिन चलेगा, कल शाम को इसका समापन होगा। तो हमारे कॉलेज का 125 साल पूरा होने वाला है, 124 साल में हम लोग चल रहे हैं, 30 नवंबर को 125 साल में हम लोग प्रवेश करेंगे और इस तरह से ये हमारा कॉलेज जो है इतने साल से हर साल जो है वो क्रीड़ा समारोह बनाते हैं और बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकल कर आते हैं हमारे मैदान से। बच्चों को सम्मानित करें, इसमें हम जो है हर एक इवेंट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो देते ही हैं, साथ में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर सेंट एंड्रयूज कॉलेज का स्पोर्ट्स पर्सन और दूसरा स्पोर्ट्स वुमन भी सिलेक्ट होता है। इसमें 100 मीटर 200 मीटर लॉन्ग जंप लॉन्ग हाई जंप जैवलिन थ्रो डिस्कस थ्रो ऑलमोस्ट सभी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। जनपद में छठ पर्व को देखते हुए 900 चौराहे पर गन्ना की जमकर बिक्री हो रही है। आपको बता दें कि जनपद में छठ का महापर्व 19 नवंबर की शाम और 20 नवंबर की सुबह मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए मार्केट में छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले फलों की बिक्री हो रही है। गन्ना जो कि छठ पूजा में अपनी अहम भूमिका निभाता है, काफी मात्रा बाहरी जिलों से व्यापारी आकर बेच रहे हैं। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए गन्ना व्यापारी आजाद यादव ने कहा कि हम लोग हर वर्ष छठ पूजा में गन्ना बेचते हैं जो कि आजमगढ़ से आ रहा है। हम लोग 15 रुपये से 20 रुपये पीस तक गन्ने को बेच रहे हैं और बिक्री भी अच्छी हो रही है, छठ तक हम लोग अच्छी बिक्री कर लेते हैं। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए गन्ना व्यापारियों ने कहा, गन्ना भैया वही फुटकर में 20 रुपये बिक रहा है, थोक में 15 रुपये बिक रहा है, 1500 रुपये सैकड़। बताया था काफी महत्व है गन्ने का। जी गन्ने का तो बहुत महत्व है, इसलिए कि जब तक एक गन्ना नहीं रहेगा छठ और एकादशी में पूजा नहीं होगा। गन्ने का महत्व है, हरा पत्ता रहना चाहिए, हरा गन्ना रहना चाहिए, बहुत महत्व है गन्ने का। अब बिकने का स्थिति यही है भैया, पूजी लगाए हैं बिक रहा है ऊपर वाला। जी जी मैं 5 साल से गन्ना यही लगाता हूँ, हर साल बेचता हूँ गन्ना। भैया आ रहा है दोहरी घाट और से 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है, इधर से राजू कुमार। 15 तो भैया। क्या स्थिति है बिक्री की? बिक्री हल्का है भैया। कौन सा गन्ना ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है? लाल वाला। बताया जाता छठ में काफी इसकी डिमांड रहती है। हाँ इसका डिमांड ज्यादा रहता है। अभी बिक्री नहीं हो रही? बिक्री नहीं है भैया, बिक्री हल्का है। अब लोग मांग रहे हैं, मद्दा मांग रहे हैं। हर साल आप लगाते हैं? हर साल मंगाते हैं। ये आता है आजमगढ़ से। क्या नाम है? मिंटू। यहाँ पर गन्ने का रेट क्या है? 13, 14, 15, 16 जो हरी पत्तियाँ 18 रुपये चल रहा है।
पीस के हिसाब से बेच रहे हैं? क्या पीस के हिसाब से बेच रहे हैं? दर्जन पीस के हिसाब से पीस, हाँ 1500 सैकड़ा। क्या स्थिति है बिक्री की? बिक्री की ठीक ठाक है, अभी माहौल बढ़िया है। छठ में तो काफ़ी ठीक ठाक है? हाँ हाँ ठीक ठाक है, छठ अभी कल छठ है, अभी आज आज ज़्यादा माहौल बढ़िया रहेगा। जनपद में उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में इंसेंटिव पॉलिसी हाईलाइट्स वर्क फ्लो की बैठक सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा ने बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, जिसकी टीम दिल्ली से आई हुई है। हम निवेश मित्र पोर्टल जब निवेश सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, तब किसी भी उद्यमी या निवेशक के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो जाने अपने व्यापार के लिए उसे किस चीज़ की जरूरत है, जिसको देखते हुए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जो कि उद्यमियों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि NOC डिपार्टमेंट को देना है। इसलिए हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके उद्यमियों को NOC दे दें, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। अभी तक निवेश मित्र पोर्टल पर 437 विभाग का NOC ऐड हो चुका है, जिसके बारे में सभी को बताया गया है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा ने कहा, आज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इज ऑफ डूइंग बिजनेस का संचालित हो रहा है। ये इन्वेस्ट यूपी की टीम लखनऊ से आई है, उसके श्री पंकज अरोरा जी आए हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं इन्वेस्ट यूपी में, और उनके साथ E&Y जो अर्नेस्ट एंड यंग की भी टीम है। हम निवेश मित्र पोर्टल जब सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, तो किसी भी एंटरप्रेन्योर या उद्यमी या निवेशक के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो जाने कि अपने उद्योग के लिए किन किन चीज़ों का उसे लाइसेंसिंग की ज़रूरत है या NOCs की ज़रूरत है। तो उसी के संदर्भ में आज ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, बहुत ही फ्रूटफुल है उद्यमियों के लिए और साथ में डिपार्टमेंट के लिए भी, क्योंकि NOCs तो डिपार्टमेंट को देनी है, तो उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है कि कितनी जल्दी समय सीमा के अंदर हम NOC दे दें और लोगों का लाभ हो, उद्योग लगे, निवेश बढ़े। क्या क्या जानकारी दी गई? अभी तक निवेश मित्र पोर्टल के विषय में जानकारी दी गई है, इसमें 37 विभागों की NOCs और 400 कुछ सर्विसेज जो हैं ऐड हो चुकी हैं, पूरी अभी कार्यशाला होना शेष है। निवेश मित्र के बारे में, सारे डिपार्टमेंट के बारे में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब अवगत कराया जा चुका है। उम्मीद है कि इससे जनपद में निवेश भी बढ़ेगा और उद्यमियों को सहायता मिलेगी। गौरव मिश्रा, उपायुक्त उद्योग गोरखपुर। ADG जोन अखिल कुमार के द्वारा आज गोरखपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने के लिए विश्वविद्यालय चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा एवं अम्बेडकर चौराहा तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया गया और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ऑटो एवं बस स्टैंड के नए सिरे से यथोचित व्यवस्थापन हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर SP ट्रैफिक श्याम देव बिंद, TI मनोज राय, TI अजीत कुमार पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी और संबंधित थाने की पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, देखिए गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ व बेहतर बनाने के लिए DG जोन सर द्वारा विभिन्न चौराहों तिराहों का भ्रमण किया गया है और इसके बाद मंडलायुक्त गोरखपुर महोदय और DM महोदय, नगर आयुक्त महोदय के साथ एक बैठक भी की गई है, जिसमें ये इस बात पर चर्चा की गई है कि जो मऊ और वाराणसी डिपो है, आजमगढ़ डिपो की बसें कचहरी रोडवेज से चलती हैं, उनको जो है नौसढ़ रोडवेज से ही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा धर्मशाला के पास एक खाली पड़ी जमीन है, अम्बेडकर चौराहे और तमकुही राज तिराहे के बीच में खाली पड़ी जमीन है, इसी तरह से जो विश्वविद्यालय कुल सचिव आवास के पास की पार्किंग है, उस पर ऑटो स्टैंड बनाने के बारे में भी चर्चा की गई है। तो ये विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है और इस पर आगे जो है कि ऑटो स्टैंड का संचालन जो है कि अधिकारियों के आदेश निर्देश पर किया जाएगा। गोरखपुर जिला प्रशासन ने कुख्यात नशा कारोबारी मंजू निषाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने नशा कारोबारी मंजू निषाद की 32 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया है। SP सिटी और तहसीलदार सदर की अगुवाई में बेनामी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। राजघाट थाना क्षेत्र के चक्रा अव्वल स्थित नशा कारोबारी मंजू निषाद की बेनामी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। कोई वीडियो से बातचीत में SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि राजघाट थाना क्षेत्र की चर्चित नशा कारोबारी मंजू निषाद पर जिला प्रशासन के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने नशा कारोबारी मंजू निषाद, बेटी माला निषाद, बेटे सुधीर और सुनील समेत 5 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। इसके तहत ही नशा कारोबारी मंजू निषाद की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया है। SP सिटी ने बताया है कि
मंजू निषाद की सीज की गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत 32 करोड़ रुपए है, जिसमें 27 करोड़ की बेशकीमती जमीन और 5 करोड़ का मकान शामिल है। इसके साथ ही एसपी सिटी ने बताया कि नशा कारोबारी मंजू निषाद पर कुल 22 मुकदमे दर्ज हैं। स्टेट जनपद गोरखपुर के आदेश दिनांक 1/11/2023 द्वारा अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 335/23 गैंगस्टर अधिनियम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया माला देवी पुत्री स्वर्गीय छेदी निवासी चक्रा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित अवैध संपत्ति नगर निगम अभिलेख में भवन संख्या 219 जी वार्षिक मूल्यांकन 540 पर दर्ज है। सदर जनपद गोरखपुर को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया जाता है। यही नीचे लटका दो, यही सर चैनल पे, और किसी और का मत कर देना जी। बंगाल जाके घर खाली करो, घर खाली करवा दिया बोले तीन करने के बाद लिख दो। हां बाहर इस संबंध में गोरखपुर की संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में प्रदेश स्तर के जितने भी माफिया हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी अनुक्रम में ये एक स्मैक बेचने वाली एनडीपीएस ड्रग की एक माफिया है, किंग पिन है, जिसका नाम मंजू निषाद है। मंजू निषाद है, उसके बेटे सुधीर निषाद, सुनील निषाद और माला निषाद और एक अन्य पुत्र है, इन सब के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जो इसकी मुख्य सरगना है गैंग की, उसका नाम मंजू निषाद है, उसके ऊपर 22 मुकदमे हैं, जिसमें आबकारी अधिनियम एनडीपीएस के एवं अन्य कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनकी बेटी जो माला निषाद है उसके ऊपर 18 मुकदमे हैं, इनके बेटे सुधीर निषाद है उसके ऊपर 15 मुकदमे हैं एवं अन्य इनके परिवारजनों के खिलाफ भी एनडीपीएस के एवं अन्य सेक्शन में मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों की करीबन 200 डिसमिल से ज़्यादा की जमीन जो कि गोरखपुर शहर के अंदर स्थित है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीबन 27 करोड़ रुपए है, उसको आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जब्त किया गया है और इनके कई मकान हैं उनको भी गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया गया है। 32 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो जरायम की दुनिया से स्मैक शराब एवं गांजा बेच के जो कमाई है उसको आज गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया है और आगे की इनकी जितनी भी और प्रॉपर्टीज हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको भी जब्त किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देवबिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा
यातायात माह के दृष्टिगत तुलसीदास मेमोरियल कैटलिस्ट हाइब्रिड स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर स्टाफ व छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया। इस मौके पर यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। उसमें जो है कि लापरवाही करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या उस दिन ध्यान देते हैं जिस दिन घटना होती है, फिर धीरे धीरे हम भूल के लापरवाही शुरू कर देते हैं। अभी आप लोगों ने किसी ऑटो में और रोज छूट रहा है किसी न किसी का, क्योंकि आदमी इतना मतलब व्यस्त हो गया, इतना लापरवाह हो गया है कि ध्यान उसका कहीं और रहता है, ऑटो में छोड़ के या रोडवेज बस में छोड़ के निकल देता है, बाद में ध्यान आता है। उसमें कई बार बहुत कीमती सामान होते हैं, गहने सोने चांदी के सामान होते हैं, पैसे होते हैं, तो ऐसे हम लोग तो 4-5 दर्जन सामान बरामद करके अभी ले चुके हैं 3-4 महीनों में। तो आप लोगों का कभी कोई सामान छूटे तो आप यातायात पुलिस को सूचना दीजिए, थाने को मत दीजिए, पहले यातायात पुलिस को दीजिए, जब नहीं मिलेगा तब थाने को सूचना दीजिएगा। यातायात पुलिस जो है कि जो हमारे कैमरे लगे हैं यहाँ चौराहे किराए पर, ITMS के कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से सारा सामान हम लोग खोज के कैमरों के माध्यम से ऑटो का पता लगाते हैं और सामान खोज के बरामद कर ही देते हैं। गाड़ी पे जा रहे थे, बात करते बदमाश था, वो लड़की ऑटो पर बैठ करके बीटेक की लड़की थी, मोबाइल से बात करते जा रही थी, बदमाश हवाई छीनना चाहे उसकी पकड़ मजबूत कर होता है। प्रतिदिन अनाउंस होता रहता है कि फलाने का सामान फलाने ऑटो पर, फलाने का सामान फलाने ई रिक्शा पर छोड़ दिया है, किसी ने सुना है नाम से? इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, यातायात माह के दृष्टिगत जागरूकता अभियान के क्रम में आज तुलसीदास मेमोरियल कॉलेज में यह अभियान चलाया गया, जहां पर शिक्षकों अन्य स्टाफ व विद्यार्थियों को इस संबंध में जागरूक किया गया है। इस दौरान मेरे साथ TI मनोज राय साहब और जो है कि TI अजीत पांडे जी मौजूद रहे हैं। सावधानी बरतने की सलाह बारे में बताया गया, सड़क पार करते समय क्या क्या ध्यान रखने की बातें उसको बताया गया। इसके अलावा उनको बताया गया कि अपने गार्जियन को भी जो है कि यातायात नियमों के बारे में बताएं, उनको हेलमेट लगाने के लिए बताएं, उनको शराब पी के गाड़ी न चलाने के विषय में भी बताएं और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के विषय में भी बताया गया है, बायां लेन जो फ्री रखा गया उसके विषय में जागरूक किया गया है। इसके अलावा जो हमारा ITMS का कंट्रोल रूम है, वहां से जो यातायात व्यवस्था संचालित हो रही उसके विषय में भी बच्चों को जागरूक किया गया है कि वहां से कैसे संचालित हो रहा है, कैसे वहां से चालान होता है, सारी बातें बच्चों को बताई गई है। छठ पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की कवायद शुरू की गई है। छठ पर्व को मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस जुट गई है। शुक्रवार को राजघाट के तकिया घाट पर CO कोतवाली अनुराग सिंह ने निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस संबंध में CO कोतवाली अनुराग सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के राजघाट हनुमानगढ़ी तकिया घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इसके मद्देनजर नदी के किनारे कटान एरिया पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। नगर निगम के मदद से पथ प्रकाश की भी व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही पूजा अर्चना करने पहुंचे वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CO कोतवाली अनुराग सिंह ने कहा, पूजा के संबंध में जितने भी घाट हो रहे हैं उन सबकी मरम्मत की जा रही है। वहाँ पे जितने भी सुविधाएं पब्लिक को प्रोवाइड करनी है, जैसे जलाशय बनाना है या फिर लाइटनिंग की सुविधा देनी है या बैरिकेडिंग करनी है, ये सारे कार्यक्रम सभी जगह पे सभी घाटों पे चल रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं तकिया घाट पे भी हमने यहाँ पे प्रॉपरली बनाया हुआ है, जो सुरक्षा के दृष्टि में यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है। जिस दिन छठ पूजा के स्टार्टिंग होगी 19 की रात को, उस दिन भी यहाँ पे सारी ड्यूटी मौजूद रहेगी और 20 की सुबह को भी सारी ड्यूटी मौजूद रहेगी। यहाँ पे कटान नदी का एक साइड ज्यादा हुआ है, उस साइड हमने बैरिकेडिंग कर दिया ताकि कोई भी वहाँ पे जाके कोई भी दुर्घटना ना घटे। सर, कितने की संख्या में यहाँ पर लोग की संख्या आती है? पुराने त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन करने पे ये पता चला है कि यहाँ पे लगभग से 10 से 20 हजार तक की जनसंख्या यहाँ पे तकिया घाट पे आती है। सेम जनसंख्या आपके राम घाट पे और हनुमानगढ़ी पे भी आती है।